दोस्तों, क्या आपको पता है जिन चॉकलेट्स को आप बड़े ही खुश होकर खाते हो वो चॉकलेट से आप गुनहगार भी बन सकते हो अगर आप उन चॉकलेट्स को किसी डॉग को गलती से खिला देते हो तो, जिससे उस डॉग की डेथ भी हो सकती है क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन होता है जो कि डॉग के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो में दो महिलाओं को झूले की सवारी करते हुए देखा जा सकता है, पर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि झूले की जंजीर टूट गई और दोनों महिला उस 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित चट्टान से गिर गई। पर अच्छी बात यह है कि चट्टान के नीचे बने लकड़ी के जुगाड़ के कारण उनकी जान बच गई, हालांकि कुछ मामूली चोटें आई हैं। यह घटना रूसी गणराज्य दागिस्तान के सुलाग केनोइन की है। इसके बाद रशियन पुलिस ने वहां के सभी झूलों की सुरक्षा की जाँच की ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा देखने को ना मिले। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने हेल्थ स्टेटस की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए अपना पर्सनल टॉयलेट साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुश्मनों से उनके हेल्थ स्टेटस को बचाना है ताकि कोई उनका फायदा ना उठा सके, इसलिए वह अपना पर्सनल टॉयलेट साथ लेकर जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन में लगे पंखे और लाइट को लोग चोरी कर अपने घर ले जाते थे। फिर जब रेलवे अथॉरिटी को पता चला तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि फिर दोबारा किसी ने चोरी करने की कोशिश भी नहीं की। रेलवे अथॉरिटी ने ट्रेन में यूज होने वाले पंखे और लाइट का करंट नॉर्मल रेट से बढ़ाकर 110 डीसी वोल्ट पर सेट कर दिया था, जिससे चोरी किए गए पंखे और लाइट लोगों के घर में चलना बंद हो गए, क्योंकि घर में 220 वोल्ट एसी करंट सप्लाई होता है और डीसी में 24 वोल्ट तक ही यूज कर सकते हैं, जिससे ये चोरी बंद हो गई क्योंकि ये चलते ही नहीं थे। इंडियन लोगों के सबसे फेवरेट बाइक में से एक है रॉयल इनफील्ड, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने 1965 में पुलिस और आर्मी के पेट्रोलिंग पर्पस के लिए रॉयल इनफील्ड का चयन किया था। और क्या आपको पता है, इस कंपनी ने फर्स्ट मोटरसाइकिल सन 1901 में बनाया था और तब से इस कंपनी को लगभग 120 साल से भी ज्यादा हो गए चलते हुए। रॉयल इनफील्ड बाइक के बंदूक के डिजाइन में बने होने का कारण यह है कि यह कंपनी ने पहले गन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से शुरुआत की थी। फैशन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी व्यक्ति के जूते या चप्पल पर सबसे पहले लोगों का ध्यान जाता है, कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियसली लोग सबसे पहले जूते की ओर ही देखते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जूते या चप्पल का स्टैंडर्ड देख उसे ऑब्जर्व कर एनालाइज करता है कि ये पर्सन कैसा होगा। यह एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल थिंकिंग में से एक है। ये फैक्ट लोगों के जीन्स और उनके एवोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे पहले के समय में जब लोगों के पास पैसों की कमी थी, पैसे सेव करने की फीलिंग उनके दिमाग में बैठ गई थी। यही कारण है कि आज भी इस फीलिंग को लोगों के बीच में ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी तरह पहले के जमाने में जब राजा और बड़े लोग अच्छे जूते पहनकर जब लोगों के बीच में जाते थे तो उनके व्यक्तित्व की पहचान हो जाती थी। इस तरह ये बात भी लोगों के दिमाग में बैठ गई। इस तरह ये जीन्स के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो गई। क्या आपने कभी सोचा है ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट पहनकर क्यों जाते हैं? सवाल का जवाब मैं बताता हूँ आप सभी को, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं बनता है। ऐसे में कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के मात्र 15 सेकंड ही रह सकता है स्पेस में। इसके बाद एस्ट्रोनॉट की बॉडी में मौजूद ब्लड प्रेशर के कारण उसकी बॉडी फूलने लग जाती है और फिर कुछ सेकंड के बाद फट जाती है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट इन सबसे बच भी जाता है तो अंतरिक्ष की हद से ज्यादा ठंड उसे जमा देती है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि गूगल प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय की किसी कारण मृत्यु होने के बाद भी गूगल अगले 10 साल तक उस एम्प्लॉय की फैमिली को उसकी हाफ सैलरी पे करता है और उसके बच्चों को 19 साल तक $1,000 देता है। मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो कितना सही या गलत है ये आप सभी ही बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस तरीके में पानी के कुछ हिस्से में हल्का सा करंट बहाया जाता है, जिसका मछलियों को जब एहसास होता है तो वह कुछ इस तरीके से पानी से बाहर निकलती है और फिर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद मछुआरे उन्हें पकड़ लेते हैं। इस नायाब तरीके को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफिशिंग कहते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है प्राचीन मिस्र संस्कृति में एक ऐसी सजा का प्रावधान था जिसमें किसी बिल्ली की हत्या करने पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सजाए मौत सुनाई जाती थी। इस तरह की सजा दिए जाने पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।